दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से बस टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से बस टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहाँ से आपको मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को ओपन कर दी है। जैसे दोस्तों आप मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फ्लाइट टिकट, होटल्स, हॉलीडे पैकेज, ट्रेन, बस टिकट वगैरह सभी यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं बस टिकट बुकिंग करना चाहता हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रेन एंड बस टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बुक ट्रेन टिकट और बुक बस टिकट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बस टिकट बुकिंग करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों हम बस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रॉम के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कहाँ से आप जर्नी करने वाले हो उस सिटी का नाम वगैरह यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं टू में अहमदाबाद सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको किस डेट को जर्नी करनी है वो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं 28 सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी डेट वगैरह सिलेक्ट किया, जो भी रूट सिलेक्ट किया है, उस रूट में उस डेट को जितनी भी बसेज वगैरह रहेगी वो सभी यहाँ पर आपको शो करेगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमें बहुत सारी बस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जिस भी बस में आपको यहाँ पर टिकट निकालना है उसी हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप यहाँ से बस सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं गुजरात ट्रेवल्स पर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों आप बस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बस के अंदर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। यहाँ पर इस साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको लोअर बर्थ देखने को मिल जाता है, इस साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको अपर बर्थ देखने को मिल जाता है। जो भी सीट यहाँ पर आप बुकिंग करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं अपर बर्थ वाली ये सीट बुकिंग कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की साइड में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस साइड में इस सीट की कितनी प्राइस है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। और इस साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिकअप पॉइंट और ड्रॉपिंग पॉइंट सिलेक्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं पिकअप पॉइंट मौरी गेट सिलेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं ड्रॉपिंग पॉइंट पालड़ी सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो सभी यहाँ पर शो करेगी। तो गाइज़ यहाँ पर आपको ट्रैवलर डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। तो गाइज़ पहली बार इस एप्लीकेशन के अंदर आप टिकट निकाल रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू ट्रैवल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों पूरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो गाइज़ मैंने पहले से इस एप्लीकेशन के अंदर टिकट निकाला हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ से मेरी डिटेल्स है वो शो कर रही है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर ए कूपन कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपके पास कोई भी कूपन वगैरह है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर GST डिटेल्स। अगर दोस्तों आपके पास GST नंबर है तो यहाँ से आप क्लिक करके उसमें फिल कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप UPI ID, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे सभी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फ़ोनपे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो
पेमेंट ऑप्शन है वो आपके जो फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगा। जब भी दोस्तों यहाँ से आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से पेमेंट पे कर दोगे तो दोस्तों आपका जो टिकट है वो बुकिंग हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना जो टिकट है वो बुकिंग नहीं करना चाहता, इसलिए दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन के अंदर बस टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।